स्टूडेंट, ओब्लिप्रेप्स में आप सब लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं वनडे गेम या एकदिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण, यहाँ तक कि कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब मर जाते थे या जब खत्म हो जाते थे तो उनका दाह संस्कार या उनकी अंत्येष्टि हम लोग किस तरह से करते थे, इस तरह से समस्त तथ्यों का खुलासा ठीक ढंग से कर दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात कल ही मैंने बात आपसे किया था, सिंधु घाटी सभ्यता की जो अंतिम तिथि या अंतिम तारीख थी वह 1500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन यह सिंबल दे रहा है कि आने वाली सभ्यता हमारी कौन सी हो सकती है। कल मैं इस बात को भी बतलाया था कि भारत में आर्यों का आगमन सिंधु सभ्यता की अंतिम तारीख या अंतिम तिथि हुआ करती थी, यानी भारत में आर्यों का आगमन। आज हम जिस विषय वस्तु की चर्चा करेंगे, सीरियल या सीक्वेंस हमारा न टूटने पाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत या पतन 1500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ है तो 1500 ईसा पूर्व के बाद भारत में कौन सी सभ्यता संस्कृति का अभ्युदय हो रहा है, उसकी परिचर्चा आज मैं आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 या 500 ईसा पूर्व का जो काल है वह काल वैदिक युग है। वैदिक युग का जो पीरियड है वह है 1500 ईसा पूर्व से 600, कहीं कहीं 500 भी मिलता है, 600 ईसा पूर्व वैदिक युग। 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की अंतिम तिथि थी और इसके बाद की जो सभ्यता हमारे और आपके सामने दिखती है या जो युग आता है वह है होगा आपका वैदिक युग। आइए हम इसके संदर्भ में इस बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा करें वनडे या एकदिवसीय परीक्षाओं में वैदिक युग से कैसे कैसे और कहां कहां से सवाल निकलते हैं। वैदिक युग को हम लोग एक सिस्टम से, एक तरीके से छोटी छोटी चीजों का विश्लेषण और गहन अध्ययन करेंगे। आइए हम जान लेते हैं वैदिक युग के संदर्भ में। बच्चों ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात जिस नवीन सभ्यता या संस्कृति का अभ्युदय हुआ उसे हम वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसे हम आर्यों की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का उदय हुआ उसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसे हम आर्यों की सभ्यता के नाम से जानते हैं। यहीं पर सवाल उठता है इसे हम वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं, वहीं पर यह सवाल उत्पन्न होता है इसे हम आर्यों की सभ्यता क्यों कहते हैं। वैदिक सभ्यता इसे हम इसलिए कहते हैं कि इस सभ्यता की
पूरी जानकारी या सारी जानकारी हमें वेदों के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से? वेदों के माध्यम से होती है। इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता के नाम से पुकारते हैं या कहलाता है। जहां तक रही आर्यों की सभ्यता, आर्यों की सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है? आर्यों की सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता है कि इस युग या इस सभ्यता के आविर्भावक कौन थे? आर्य लोग थे। आर्य लोग थे इसलिए इस युग को या इस सभ्यता को हम आर्यों की सभ्यता के नाम से भी कहकर पुकारते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि वैदिक युग का पीरियड 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इस सभ्यता, इस काल की सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता व आर्यों की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता की पूरी जानकारी हमें वेदों के माध्यम से होती है। आर्यों की सभ्यता क्यों कहा जाता है? इस सभ्यता के जन्मदाता या इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे, इसलिए इसे आर्यों की सभ्यता भी कह करके पुकारा जाता है। ये बात हो गई। आइए हम बात करते हैं आर्य कौन थे या आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है। इस तथ्य पर इतिहासकारों में, विद्वानों में सहमति आज तक नहीं बन पाई है, एक मत नहीं हो पाया है। लेकिन परिक्षोपयोगी तथ्य को ध्यान में रखते हुए बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र को बताया। आर्कटिक क्षेत्र और प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर, ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया। सभ्यता के आविर्भावक आर्य थे। आर्य कौन थे? आर्य द्रविड़ थे। आर्य द्रविड़ थे। कहां से आए? इतिहासकारों में एक मत या सहमति नहीं है, लेकिन ये दो कॉन्सेप्ट जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, यही चीजें आपसे पूछा जाएगा, यही चीजें अधिकांशतः पूछी जाती हैं। आप दिमाग में इस बात को रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक क्षेत्र को बतलाया, प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया बताया। आर्य द्रविड़ थे। वनडे गेम या एकदिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके सामने। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आपकी बुकलेट सीरीज में जो आएगा वो है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ, महान, उदात्त, कुलीन, इत्यादि। वनडे गेम या एकदिवसीय परीक्षाओं में यह पूछा जाएगा,
आर्य शब्द का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ। वनडे गेम या एकदिशी परीक्षाओं से जो उच्च स्तर की परीक्षाएं होंगी उसमें रहेगा, यह भी हो सकता है, उदात भी हो सकता है, कुलीन भी हो सकता है इत्यादि। ये रहा आर्यों की सभ्यता के नामकरण की बात। आइए हम अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले आज जिस विषय वस्तु की मैं चर्चा करूंगा वह है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। उपनिषद ध्यान दीजिएगा इस बात पर, मैं इसको इस तरह से इसलिए लिखा है कि जिससे कि आगे लिखने में हमें सुविधा रहे। वैदिक सभ्यता, वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहली मीनिंग हम वैदिक साहित्य को लिए हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। अब एक एक को हम डिफाइन करेंगे। वेद क्या है? वेद क्या है? वेद का अर्थ क्या है? वेद का तात्पर्य होता है जानना। क्या तात्पर्य होता है? जानना या ज्ञान। जानना या ज्ञान, इसको आप टू नो भी कह सकते हैं। वेद का अर्थ जानना या ज्ञान, लेकिन यहां पर वास्तव में वेद है क्या चीज? इसका मतलब तो जानना और ज्ञान होता है, ये तो परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से आपको बतला दिया गया, लेकिन यहां पर भाव ये निकलता है कि वेद है क्या चीज। आइए हम इस पर बात करते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान कर जब समाधि लगाते थे, अंतरिक्ष या आसमान से उन्हें जो ईश्वरीय संदेश प्राप्त होते थे, उसके बाद उनके मुख से निकला हुआ शब्द क्या कहलाया? वेद। प्राचीन काल में ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में जब समाधि लगाते थे, उन्हें जो ईश्वरीय संदेश प्राप्त होता था, उनके मानस पटल पर अंतरिक्ष से जो आवाज आती थी, उसके बाद उनके मुख से निकला हुआ शब्द वेद। वेद की बात हो गई, इसके बाद वेदों को श्रुति साहित्य कहा गया है। कौन सा साहित्य? श्रुति। ध्यान दीजिएगा, आर्यों को लिप का ज्ञान नहीं था, आर्य लिप से अपरिचित थे, आर्यों के पास लिप नहीं थी। आर्य पठन पाठन की प्रक्रिया को परंपरागत जीवंत बनाने के लिए, यानी शिक्षा को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए श्रुति साहित्य का सहारा लिया गया।
जब लीप नहीं थी, लीप न होने से तात्पर्य है न लिखने वाली कोई चीज थी, और जिस पर लिखा जाता है वह भी कुछ वैसा भी कुछ नहीं रहा। गुरु अपने शिष्यों को, गुरु को समस्त वेद याद होते थे, गुरु अपने शिष्यों को वेदों में कही गई बातों को तब तक रटाता था, तब तक रटाता था जब तक कि उनको कंठस्थ या याद नहीं हो जाया करता था। यानी वेदों को श्रुति साहित्य कहने से तात्पर्य है कि गुरु अपने शिष्यों को श्रवण परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता था। और यहां से आपका जो सवाल निकलता है वनडे गेम या एकदिवसीय परीक्षाओं में, आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक युग या वैदिक सभ्यता की शिक्षा कैसी थी, वैदिक युग या वैदिक सभ्यता की शिक्षा कैसी थी। मौखिक श्रवण परंपरा के माध्यम से गुरु अपने शिष्यों को समस्त महत्वपूर्ण बातों को या वेदों में कही गई बातों को उच्चारण तब तक करवाता था जब तक कि शिष्य को सारी बातें कंठस्थ या याद न हो जाए। ये श्रुति साहित्य की बात हो गई। वेद से एक पॉइंट और निकलता है, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वेदों को अपौरुषेय क्या कहा गया है, अपौरुषेय। यहां पर अपौरुषेय से तात्पर्य है वेदों की रचना, वेदों की रचना न तो किसी एक व्यक्ति विशेष ने किया और न ही वेदों की रचना किसी एक काल विशेष समय में की गई। वेदों की रचना न ही किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा की गई, वेदों की रचना न किसी एक काल विशेष निश्चित समय में की गई, इसीलिए वेदों को क्या कहा गया है, अपौरुषेय। वेद से और जो सवाल आपके निकलते हैं, वेदों को संहिता कहा गया है, वेदों को संहिता कहा गया है। संहिता से तात्पर्य हमारा कलेक्शन से है, संहिता से हमारा तात्पर्य कलेक्शन से है। चारों वेदों को, चारों वेदों को संहिता कहा गया है। चारों वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद माना गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन व पुराना वेद है। वेदों को त्रयी भी कहा गया है। क्या कहा गया है, त्रयी। त्रयी से हमारा तात्पर्य है, त्रयी से हमारा तात्पर्य है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को त्रयी भी कहा गया है। इस त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं, अथर्ववेद नहीं है। वेदों को त्रयी भी कहा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इस त्रयी में अथर्ववेद का उल्लेख या जिक्र नहीं किया गया है। इस तरह से वेद के संदर्भ में सारी बातें हो गई। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, वह है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। कुछ पॉइंटें वेद पर और हैं,
वेदों की रचना, वेदों की रचना या अधिकांश वेदों की रचना किसमें की गई है? पद्य में की गई है। एकमात्र वेद, एकमात्र वेद इन चारों वेदों में एकमात्र वेद अपवाद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है, और वह वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में है। वेदों की रचना पद्य में की गई है। एकमात्र वेद यजुर्वेद है जिसको कि हम अपवाद स्वरूप जानते हैं कि यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। वैदिक, वैदिक पद्य को वैदिक साहित्य में, वैदिक पद्य को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? ऋचा। वैदिक पद्य को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? ऋचा। वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य में वैदिक गद्य को गजुस कहा गया है, गजुस। और गेय पद्य को गेय पद्य को साम कह करके संबोधित किया गया है। आइए हम बात करते हैं ब्राह्मण की। ब्राह्मण से हमारा तात्पर्य है कर्मकांड या विधि विधान। ब्राह्मण से हमारा क्या तात्पर्य है? कर्मकांड। कर्मकांड या विधि विधान। ब्राह्मण साहित्य गद्य में लिखा गया है, पद्यात्मक खंडों का, पद्यात्मक खंडों का जब गद्यात्मक विश्लेषण किया गया, पद्यात्मक खंडों का जब गद्यात्मक विश्लेषण किया गया तब उसी को वैदिक साहित्य में क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में है, और ब्राह्मण ग्रंथ में विशेष रूप से कर्मकांड और विधि विधान का उल्लेख या जिक्र किया गया है। ठीक है। जहां तक आरण्यक की बात रही, आरण्यक का मतलब होता है जंगल, आरण्यक का मतलब होता है जंगल, ऋषि मुनि, नगरों से दूर, गांव से दूर, क्षेत्र विशेष से दूर हटकर कहां? जंगल में, जंगल में पठन पाठन व चिंतन किया करते थे। उपनिषद, उपनिषद से तात्पर्य है दर्शन, दर्शन या ब्रह्म ज्ञान या आध्यात्मिक विश्लेषण, आध्यात्मिक विश्लेषण। उपनिषद से तात्पर्य है शिष्य का गुरु के समीप पहुंचना, शिष्य का गुरु के समीप पहुंचना, निकट होना। और उपनिषद से तात्पर्य है दर्शन, ब्रह्म ज्ञान या आध्यात्मिक विश्लेषण। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद होने की वजह से उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है।
वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद होने की वजह से वेदांत भी कहा गया है। ये रहा वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वैदिक साहित्य का स्पष्टीकरण या विश्लेषण। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं ध्यानपूर्वक, संक्षिप्त तौर पर एक बार इसको और देखा जाए। वैदिक युग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में सबसे पहले हमें वेद मिलता है, वेदों की संख्या चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद का तात्पर्य होता है जानना या ज्ञान, टू नो। प्राचीन काल में ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में जब समाधि लगाते थे तब उन्हें ईश्वरीय संदेश प्राप्त होते, तब उन्हें जो ईश्वरीय संदेश प्राप्त होता था और उस समय उनके मुख से निकला हुआ शब्द क्या कहलाया? वेद। वेद को श्रुति साहित्य कहा जाता है। वैदिक साहित्य को एक परंपरा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम गुरु अपने शिष्यों को वेदों के समस्त पाठों को तब तक कंठस्थ कराता था जब तक उसे याद न हो जाए। श्रुति साहित्य, सुना सुना करके समस्त वेद को रटाने की प्रक्रिया को श्रुति साहित्य कहा गया। और आपका जो सवाल यहां से बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि वैदिक शिक्षा कैसी थी, ओरल मौखिक। वेदों को अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय से तात्पर्य है वेदों की रचना न तो किसी एक व्यक्ति विशेष ने किया, वेदों की रचना न किसी एक काल विशेष में की गई, जिसकी वजह से वेदों को अपौरुषेय कहा गया। वेदों को संहिता, संहिता से तात्पर्य है कलेक्शन। वेदों की संख्या चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहा गया? संहिता। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। वेदों में एक वेद को अपवाद कहा गया है, अपवाद स्वरूप कहलाने वाला वेद यजुर्वेद है। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। वेदों की रचना पद्य में की गई है। वैदिक साहित्य में पद्य को क्या कहा गया है? बच्चों ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें। वैदिक साहित्य में पद्य को ऋचा कहा गया है। वैदिक साहित्य में गद्य को गजुष कहा गया है। वैदिक साहित्य में गेय पद्य को साम कहा गया है। वेदों को त्रयी भी कहा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, इन तीनों वेदों को त्रयी कहकर के संबोधित किया गया है। इसके बाद वैदिक साहित्य का सेकेंड पोर्शन ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य गद्य में लिखा गया है या गद्य में उल्लिखित है। ब्राह्मण साहित्य में कर्मकांड है, वह विधि विधान है। गद्य में उल्लेख है। ब्राह्मण साहित्य से तात्पर्य है मेरा जब पद्यात्मक खंडों का गद्यात्मक विश्लेषण किया गया, उसे वैदिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य के नाम से जाना गया। यानी ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में, कर्मकांड और विधि विधान का उल्लेख। आरण्यक का मतलब होता है जंगल। ऋषि मुनि नगरों से दूर जंगलों में निवास कर चिंतन मनन, उपनिषद से तात्पर्य है ब्रह्म ज्ञान, आध्यात्मिक विश्लेषण, दर्शन। उपनिषद से तात्पर्य है शिष्य का गुरु के समीप पहुंचना, शिष्य का गुरु के समीप या निकट होना। वैदिक साहित्य में
उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग उपनिषद होने की वजह से इसे वेदांत भी कह करके संबोधित किया जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता की जो अंतिम तारीख थी वो 1500 ईसा पूर्व थी। मैं समस्त सारे इतिहास को एक सीरियल या सीक्वेंस में दूंगा, आप ध्यान दीजिएगा। 1500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की अंतिम तारीख थी और 1500 के बाद यानी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व वैदिक युग और वैदिक युग के अंतर्गत आज वैदिक सभ्यता में वैदिक साहित्य वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद इन समस्त चीजों का गहन अध्ययन किया। अगले वीडियोज में मैं एक एक वेद की बात करूंगा जिसमें पहला वेद होगा ऋग्वेद। नेक्स्ट वीडियोज में मैं बात करूंगा ऋग्वेद के संदर्भ में, इसके बाद फिर अगला टर्म्स होगा। ठीक बच्चों, आप लोग